आज से लगभग 500 साल पहले की बात है, जब राजा मलिहा सिंह ने एक छोटे से राज्य मलिहापुर की कमान अपने हाथों में संभाली। राजा मलिहा सिंह ने अपनी कुशल नीति और सुशासन की मदद से मलिहाबाद को काकोरी और बिजनौर से सटे कुछ इलाकों तक फैलाया। वहां की जनता भी अपने राजा से बहुत खुश थी, पर तभी धीरे धीरे राजा के सर पर संकट के गरजते बादलों ने दस्तक दी। गौतम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दो भाई देवराय और न्याय राणा गौतमों के राज्य से निष्कासित होने के बाद मलिहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने राजा मलिहा सिंह का दिल जीतने के बाद वहां की जनता के साथ मिलकर ही मलिहा राज्य को बर्बाद और तबाह कर दिया। तभी वहां के पठानों ने उनके गलत इरादों को भांपते हुए उन दोनों भाइयों को खदेड़ते हुए राज्य से बाहर निकाल दिया। अस्त में हम अपने बचपन से अपने बाप के साथ में हमें आने जाने नर्सरी आया जाया करते थे बाबू में, और सातवीं जमात तक पढ़े और हम हो गए फेल। उसके बाद से फिर हम आज का दिन इसी काम में लगे। तो 57 में पढ़ना छूटा, तो हमने उस वक्त बचपन में नाबालिग थे, 17 साल के थे, तो हमने एक पेड़ 7 किस्म का जब बनाया था। और फिर वो 60 में बहिया, यहाँ पर बहिया की शक्ल हो गई थी, पानी इतना बरसा था कि बागों में पानी भर गया, और हमारी नर्सरी निचले हिस्से में थी, उसमें पेड़ वो तैयार था, 7 वैरायटी का अलग अलग, तो पानी उसमें भरा। हमने बड़ी कोशिश की, इंजन लगा के स्टार्ट कर उसको चला करके पानी निकल जाए, लेकिन पानी जितना हमने निकाला हमको एक सूत पानी कम होते नहीं दिखाई दिया, मालूम ही होता था जैसे ज़मीन से भी पानी ऊपर। सन 1919 में 1300 किस्म का आम मलिहाबाद में था। अब उत्तर प्रदेश में पूरे घटकर 700 के आसपास ही ढूंढे मिलता है। अब यूँ हो सकता है कहीं हो, हम कह भी नहीं सकते हैं कि ज़्यादा है या नहीं है, लेकिन हमारी जो छानबीन हुई उसमें हमको 700 के अंदर ही आम मिला। समय बीतता गया, मलिहाबाद भी अब बदल रहा था। बढ़ती आबादी ने अब अपने साथ रोजगारी भी बढ़ा दी थी, पर तब तक इतिहास करवट ले चुका था। हुकूमत अब नवाबों के हाथ जा चुकी थी, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ नवाबों का ही बोलबाला था। ये हमारे जद्द अमजद फकीर मोहम्मद खान साहब का मकबरा है। पूरे मलिहाबाद को आबाद करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। अब से 250 साल पहले ये लोग अफ़गानिस्तान से घोड़ों की पीठ पर बैठ करके हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान में इन्हीं ने पहला क़याम किया, वहाँ पर ठहरे, और फिर वहाँ से नवाब साहब ने अपनी फ़ौज के लिए इनको मांग लिया। फ़कीर मोहम्मद के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके अंदर एक और भी ख़ासियत थी कि वो अपनी तलवारबाजी के लिए पूरे देश में मशहूर थे। जब ये भनक लखनऊ के नवाबों को लगी तो उन्होंने फौरन ही फकीर मोहम्मद को लखनऊ आने की दावत दे दी, जिसको मंजूर कर फकीर मोहम्मद ने नवाबों के लिए अपनी नरम दिली जाहिर की और सिपह सालार के तौर पे वो उनकी सेना में भर्ती हो गए। उसी दौरान मलिहाबाद की खूबसूरती और उपज को देखकर उन्होंने नवाबों को आम के पेड़ उगाने की सलाह दी, जिसे मंजूर कर मलिहाबाद में पहला आम का पेड़ उगाया गया और फकीर मोहम्मद ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में इसी तरीके से दर्ज करा दिया।
ये पेड़ एक आम ही एक पेड़ आम का पेड़ भी है और ये एक बाग भी है और एक दुनिया का आमों का कॉलेज भी है, क्योंकि एक ही पेड़ में तमाम दुनिया के आमों को इकट्ठा करके आसानी के साथ में उन्हें पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कौन सा फूल में कितनी ताकत है, कितना नाजुक है, कि क्या चीज़ हमसे चाहता है, क्या चीज़ हमको देना चाहता है। एक पेड़ से इसको जिस तरह से दुनिया में बड़ी बड़ी कॉलेज हैं इंसानों के इलाज के लिए, इसी तरह से ये तरह कॉलेज जैसा है दुनिया का जो ये इस वक्त में ये मलिहाबाद में है और इस पर तमाम आमों को आसानी के साथ में समझा जा सकता है। और अब ये कलम बांधने का तरीका जो एक नया ईजाद हुआ है तो ये भी बहुत पुराना, लेकिन पुराने के मुकाबले पर ये नया है। ये वीनियर कहलाता है, इसमें शाख को बेहोश कर लेते हैं और फिर उस कहीं भी शाख को बेहोश करें आम की, उसको शाख को ला कर अपने पेड़ में उसको बीच में से यहाँ से फाड़ के चीरा दें और उसको बाद इसमें चीरा दे कि इसमें बैठाल को प्लास्टिक से बांध दें तो वो जुड़ जाती है। ये सबसे ज़्यादा आसान है और कम ज़मीन पर ज़्यादा काम इस पर किया जा सकता है। आज मलिहाबाद कुल 30,000 हेक्टेयर में बसा एक खूबसूरत तहसील है, जहां आज भी जगह के लहजे और तरीकों में कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं है। चारों ओर सिर्फ आमों की मीठी खुशबू बसी है। खेतों में काम करते किसान आज भी आमों को बेचकर ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। आमों से लदे खूबसूरत बाग किसी का भी दिल लुभा लेते हैं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा आमों के ये खुशबूदार और खूबसूरत बाग मानो मलिहाबाद की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हो। कहीं बागों में खेलते बच्चों की गूंज सुनाई पड़ती है तो कहीं उनकी माँ बाप की अपने खेतों में की हुई मेहनत। कहने को तो एक ये तहसील है पर पास आकर देखने पर एक बड़ा सा मुकम्मल परिवार जो न जाने कितनों को अपनी गोद में संभाले हुए है। ये पेड़ जो है ये कुदरत ने हमसे क्यों बनवाया, अंदर से ये जवाब आया तेरी अच्छाई और सच्चाई से, और तेरी ये बात तमाम दुनिया के इस्लाह के लिए है, क्योंकि ये एक पेड़ ऐसा है जिसमें 300 से ज़्यादा बच्चों को माँ दूध पिला रहे हैं। ख़ास करके ये पेड़ उनकी इस्लाह के लिए है जो अपने वहाँ अपने अपने घरों में बम और एटम बम दिए बैठे हुए हैं दुनिया को उजाड़ने के लिए, तबाही के लिए, और कुदरत बार बार जगा भी रही है उनको, तमाम दुनिया को। इतनी जल्दी जल्दी जलजले दुनिया में जितनी अभी आए हैं चंद महीने पहले, इतनी जल्दी जल्दी जलजले कभी नहीं आए होंगे, ये सुनने को नहीं मिले। तो कुदरत ये भी बता रही है कि तुम आपस में मिलो जुलो, जो तुम तबाही कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, दूसरे को नफरत और बुख्ल हरकत कर रहे हो, ये बात मुनासिब नहीं है, बल्कि इस पेड़ से इस्लाह लो, नहीं वरना तुम नहीं चलाओगे, क्योंकि तुम्हें ये मालूम है चलाने से हम चलाएंगे हमारे ऊपर भी फौरन चल जाएगा, इस रंग के अब तो हालात पैदा हो गए हैं। तो कुदरत ये जगा रही है इन लोगों को कि तुम जो जहाँ पर ये तुम्हारे सामान रखे हैं हम इसको चला देंगे, इसको दबा देंगे, तुम्हारा ही मुल्क पहले बर्बाद होगा, बाद में दुनिया बर्बाद होगी दुनिया का। एक छोटी सी जगह कितने कारनामों को अंजाम दे चुकी है पर अब भी कई लोग इससे अनजान हैं। कोई अपनी जिंदगी एक पेड़ के नाम पर कुर्बान कर चुका है और जिसकी आहट आज तक किसी ने नहीं सुनी। हम इसे क्या समझें, गुमनामी या बेपरवाही?